जा 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 जाओ जाए दो जाए दो जाए दो जाए दो जाए दो जाए दो उसको जाए दो जाए दो अरे सॉरी सॉरी बोलो जाओ ना अरे सॉरी बोलो जाओ सॉरी बोलो जाओ काहे ला भी मैं फालतू में फंसा ले जा जा सॉरी बोलो जाओ जाए दो जाए दो जाए दो ए जाए दो जाए दो ए जाए दो अरे 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 जाए दो तो हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं आपका दोस्त अभिनव दीपू। और आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले हैं और मॉर्निंग में आज जा रहे हैं अटल पथ फेज टू का अपडेट देने, आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल हम कहाँ हैं वो भी आपको दिखाने वाले हैं। सो अभी चल रहा है लॉकडाउन और लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है 25 को अगर एक्सटेंड नहीं हुआ तो अभी क्या है कि घर से निकलना भी बहुत कम है और लॉकडाउन की वजह से आना जाना बिल्कुल बंद है। और एक और बात आपके साथ शेयर कर दें कि ये जो अटल पथ फेज़ टू का अपडेट है ना, ये इसलिए है कि एक अटल पथ पे अटल पथ से जैसे हम लोग जाएंगे आगे तो अटल पथ से एक रोड कनेक्टिंग हुआ है जेपी सेतु, उसका मेनली आज अपडेट देने वाले हैं। और एक और बात शेयर कर दें कि अटल पथ का जो वर्क है वो रुका हुआ है ड्यू टू रीज़न लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से लेबर प्रॉब्लम इशू आ रहा है, इस वजह से भी रुका हुआ है। और उसके साथ साथ ज़मीन का भी कुछ इशू है, जिसके साथ आपको बता दें कि FCI का जो ज़मीन है वो बिहार गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है। सो इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा डिले हो रहा है, नहीं तो अभी तक ये प्रोजेक्ट बन के कम्प्लीट हो गया होता। तो चलिए आज दिखाते हैं क्या कुछ काम हुआ है, कितना अपडेट हुआ है और क्या क्या नया चीज़ देखने को मिलता है इस वीडियो में। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है और हर एक डिटेल जो है वो शेयर करेंगे। और हाँ दोस्तों, अभी भी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बताते हैं आपको अभी हम है एग्जैक्ट कहाँ पे। सो आपको बता दें कि अभी अपना ब्लॉग जो है वो यहीं पे बैठ कर स्टार्ट किया है और ये पीछे का बैकग्राउंड जो था वो था, जैसे कि देख सकते हैं महाबोधि मंदिर और बुद्ध मूर्ति, विश्व शांति स्तूपा और जल मंदिर जो है इसका फोटोग्राफ्स लगा हुआ है, काफ़ी सुंदर है और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ बैठ के अपना ब्लॉग जो है वो आज का स्टार्ट किया है। और अभी फ़िलहाल हम आर ब्लॉक के साइड जैसा देख सकते हैं, ये है आर ब्लॉक गोलंबर और ये रहा चाणक्या होटल आपके सामने। तो अभी हम हैं आर ब्लॉक गोलंबर के पास, बोल सकते हैं आर ब्लॉक के साइड, और आर ब्लॉक के साइड से जा रहे हैं दीघा के साइड। तो दीघा साइड जाते हैं और आपको हर एक अपडेट जो है वो शेयर करेंगे, क्या कुछ अपडेट है, क्या नया चीज़ देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या कुछ देखने को मिलता है आप लोग को। आपको बता दें कि सुबह मॉर्निंग वॉक करने बहुत लोग जो है वो अटल पथ पे देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। और क्योंकि लॉकडाउन है तो कोई कहीं जा नहीं पाता है, सो इस वजह से थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने यहीं पे आ जाते हैं तो काफ़ी बेस्ट रहता है। और प्रॉपर फुटपाथ भी बन गया है तो मॉर्निंग वॉक करना भी काफ़ी ईजी हो गया है। तो अभी हम लोग चलेंगे डायरेक्ट कहाँ, दीघा के साइड, और देखेंगे क्या कुछ देखने को मिलता है वहाँ पे। क्या ही बात करें, इस साइड का जो नज़ारा है ये तो चेंज हो गया है। और एक और नया चीज़ देख रहे हैं, ये जो MLA फ्लैट था ना, ये सब नया अभी कंस्ट्रक्ट करके बनाया गया है जो कि काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अट्रैक्टिव, मतलब देखने में लग रहा है काफ़ी सुंदर। तो कभी मौका मिलेगा तो इसके अंदर जाके भी इसका एक ब्लॉग आप लोग के साथ शूट करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे क्या कुछ है अंदर में और किस टाइप से बना हुआ है, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। भाई साहब लगता है गाड़ी सीख रहे हैं इसमें, यो गाड़ी जो है वो ट्रेनिंग ले रहा है अटल पथ पे। अच्छे से सेफ साइड होके ट्रेनिंग लीजिएगा भाई साहब, यही बोलेंगे। और बाकी तो सब वही है एज इट इज, सब कुछ चालू है, सब कुछ स्टार्ट है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट चलते हैं दीघा के साइड और देखते हैं वहाँ क्या कुछ देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट मिलते हैं दीघा के साइड। We'll be right back.
अरे भाई क्या बात भाई, कहाँ हो गया वो? मिलकर स्ट्रीट रेस करता है। कहाँ हो गया? पिछले दिन मैं आया था, कुछ दिन पहले तो हम ऐसी गाड़ी चला रहे थे। कौन नहीं कर रहा? सब क्यों रुको? कहाँ हो गया? प्रशासन है ना? अरे काहे काहे लड़ रहा है, काहे लड़ रहा है? लड़ने से फायदा है? जा 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 जाए तो जाए तो जाए तो जाए तो जाए तो जाए तो उसको जाए तो जाए तो अरे अरे चाबी ना देख रहा, चाबी ना। अरे सॉरी सॉरी बोलो जाओ ना, अरे सॉरी बोलो जाओ, सॉरी बोलो जाओ, काहे ला भी मैं फालतू में फंसा ले। जा 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 सॉरी बोलो जाओ, जाए दो जाए दो जाए दो जाए दो जाए दो जाए दो जाए दो। रोड रेज बहुत कुछ हो रहा था तो हम तो निकले थे कहाँ, अटल पथ फेज टू का अपडेट देने, और यहाँ कुछ देखने को मिला कुछ ऐसा। तो आपको बता सकते हैं कि ये सब जो है ना डे बाय डे जो है ये सब बहुत गलत है। रोड रेज रोड रेज क्या, आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम भी यही कहो, ये भी यही कहा, सब लोग वीडियो देख रहा होगा शायद, अगर देख रहे हो तो भाई हम तो यही बोलेंगे कि सब लोग एक दूसरे के साथ रहो, भाईचारा बना के रहो, कोई फ़ायदा नहीं है लड़ने झगड़ने से, लड़ना झगड़ना इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो हम तो जा रहे थे अटल पथ फेज टू का अपडेट देने, बट क्या ही कर सकते हैं, यहाँ तो सीन ही कुछ और हो गया है। बट चलते हैं फिर भी हम, और इस वीडियो को जो है ना वो बेकार हो गया, मतलब अपना मूड जो है ना वो स्विंग कर गया, क्योंकि हम कंटेंट कुछ और लेके चल रहे थे और अचानक से ये जो देखे ना तो ये बहुत ख़राब लगा, और कहीं कहीं मेरा कैमरा ऑफ भी हो गया था ऑटोमेटिक, तो कुछ वीडियो क्लिप नहीं भी आया होगा, तो वो तो घर जाके देखने में पता चलेगा क्या आया है नहीं आया है, जो भी आया है वो यही रहेगा वीडियो। और आई होप सो कि जो ब्लॉग है वो आप लोग को ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। और हाँ दोस्तों, जो लोग देख रहे हैं आपस में मत लड़िए, भाईचारा बनाइए, एज अ फ्रेंड रहिए, लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, यही बोलेंगे। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, और अटल पथ फेज़ टू का जो अपडेट है वो पेंडिंग रहेगा, वो आने वाले टाइम में मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको।